हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं पेंसिल कलर से मिकी माउस बनाऊंगी। तो सबसे पहले 2B पेंसिल से मिकी माउस का आउटलाइन बना लीजिए, सर्कल और कर्व बनाते हुए। उसके बाद सभी आउटलाइंस को ब्लैक पेन से डार्क कर लीजिए। अब ब्लैक मार्कर या स्केच पेन से जहाँ जहाँ ब्लैक करना है वहाँ कर लीजिए। आप चाहो तो पूरा ही कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया है। अब फेस के लिए रेड, लाइट ब्राउन, लाइट ऑरेंज, ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। अब पैंट को कलर करने के लिए रेड कलर पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, और शेड करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड स्केच पेन का भी इस्तेमाल किया है। जूता को कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने येलो स्केच पेन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैंने इसको शेड देने के लिए ऑरेंज और ब्राउन कलर पेंसिल का इस्तेमाल किया है। अब वाटर में मिकी माउस का शेडो बनाएंगे, तो उसके लिए येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड, ब्लैक एंड ब्लू कलर पेंसिल का इस्तेमाल करना है। बैकग्राउंड में लैंड, क्लाउड्स और वॉल बनाएंगे। इसमें मैंने येलो, ब्राउन, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, लाइट एंड डार्क ब्लू, पिंक एंड पर्पल कलर का इस्तेमाल किया है। वॉल को मैंने ब्लैक मार्कर से डार्क किया है, और आखिरी में व्हाइट पेन से वाटर में इफेक्ट लाना है।
चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। धन्यवाद।